हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे HP फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में और सिलेबस के बारे में। दोस्तों इससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको HP पुलिस के रिगार्डिंग हर इन्फॉर्मेशन दी जाती है, इसलिए आपको चैनल पर बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। दोस्तों इसमें आपको जो है वो सबसे पहला सब्जेक्ट आता है जनरल अवेयरनेस, ठीक है। जनरल अवेयरनेस, फिर जनरल साइंस, फिर HP फॉरेस्ट गार्ड, जितने भी हमारे HP फॉरेस्ट हिमाचल प्रदेश में फॉरेस्ट हैं इनके बारे में पूछा जाता है, जंगलों के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि जंगलों में ही रहकर आपने सेवाएं देनी होती है। फिर इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ GK के बारे में HP में होगा और हमारा इंडिया लेवल का भी होगा। फिर एप्टीट्यूड के बारे में, एप्टीट्यूड में आता है मैथमेटिक्स, फिर लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। कुल मिलाकर आपको पूछे जाएंगे 85 क्वेश्चन और 85 ही मार्क्स होंगे और आपको दिए जाएंगे 75 मिनट, ठीक है। HP पुलिस में दिए जाते हैं पूरे 60 मिनट, एक घंटा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन आपका एक मार्क्स का होगा। देन आपके सिलेबस के बारे में बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपका HP GK भी आएगा इसमें और इंडिया लेवल का GK भी आएगा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आपका इंडिया लेवल में क्या क्या GK अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस क्या क्या आएगी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंडिया और इट्स नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में, ठीक है। फिर इंडियन हिस्ट्री में वो सारी हिस्ट्री आती है आपकी, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, ठीक है, तीनों प्रकार की हिस्ट्री होगी। इंडियन इकोनॉमिक्स इश्यूज, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस जैसे SAARC होगी, ठीक है, ये एशियंस, इनके बारे में पता होना चाहिए। फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होगी, फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होगी, सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देन नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में पता होना चाहिए, इंडियन जियोग्राफी, हिमाचल जियोग्राफी भी पता होना चाहिए, नेशनल और इंटरनेशनल इशूज़, ठीक है। फिर साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस, कल्चर ऑफ इंडिया, इन्वायरमेंट इशू एंड पॉल्यूशंस, वाइल्ड लाइफ के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, फ्लोरा एंड फाइना, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। देन नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज, न्यू इन्वेंशंस, हैंडीक्राफ्ट्स, ट्राइब्स, आर्टिस्ट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, पॉलिटिकल साइंस में हो गया आपकी पॉलिटी, जितने भी होते हैं, भारत का संविधान कब बना था, ऐसे क्वेश्चन जो भी इसके बेसिक क्वेश्चन होते हैं उनकी जानकारी आपको अच्छे से होनी चाहिए। फिर कई बार कंट्री और कैपिटल पूछ ली जाती है, साइंस और इनोवेशंस, न्यू इनोवेशंस क्या हुई हैं, इसरो ने क्या क्या किया है। फिर नेशनल डांसेस, नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए म्यूज़िक एंड लिटरेचर, फिर टूरिज्म स्पॉट्स ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंट डेट्स, स्कल्प्टर, फिर फेमस प्लेस इन इंडिया, बुक्स एंड ऑथर, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मैथ्स और रीजनिंग की, एप्टीट्यूड और रीजनिंग की। रीजनिंग और एप्टीट्यूड में आपको क्या क्या पढ़ना है, मैथ में पढ़ना है अलजेब्रा, डिफरेंशियल ज्योमेट्री, नंबर सीरीज, फिर रीजनिंग का टॉपिक आ गया आपका लेटर और सिंबल सीरीज, वर्बल क्लासिफिकेशन, एसेंशियल पार्ट्स, एनालॉगी, आर्टिफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। देन आपको पढ़ना है लॉजिकल प्रॉब्लम्स ऑफ ऑपरेशन रिसर्च एंड लीनियर प्रोग्रामिंग, लॉजिकल डिडक्शन, वर्बल रीजनिंग, काउज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, इसे आप छोड़ भी सकते हो, इसमें थोड़े से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थीम एंड डिटेक्शन, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, मैथ का टॉपिक है, मैचिंग डेफिनेशंस, ठीक है। फिर मार्किंग जजमेंट, डिफरेंशियल इक्वेशन, डायनामिक्स, एनालिटिकल ज्योमेट्री, स्टैटिक कैलकुलस, परसेंटेज, मेंसुरेशन, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, बेसिक मैथमेटिक्स, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, नंबर सिस्टम, ठीक है। अब आप बात करेंगे इंग्लिश की, जनरल इंग्लिश में क्या पढ़ना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट होगी, फिलिंग द ब्लैंक्स हो गए,
देन पैसेज हो गए, स्पॉटिंग एरर हो गए, वर्बल कम्प्रिहेंशन पैसेज हो गए, वर्ब्स ग्रामर पूरा इसमें आता है आपका, नाउन प्रनाउन एडजेक्टिव प्रपोजिशन जो भी आपका बेसिक ग्रामर होते हैं, पर्टिकुलर एडजेक्टिव सेंटेंस स्ट्रक्चर क्लॉज वोकैबुलरी, फिर आपका एंटोनिम एंड सिनोनिम, ठीक है, स्पेलिंग इंडिमेन फ्रेजेस डिटेक्शन ऑफ मिस स्पेल्ड वर्ड्स, ठीक है। देन आपको हिंदी भी पढ़नी है, हिंदी में वही पढ़ना है संज्ञा सर्वनाम जो भी आपकी इंग्लिश में पढ़ते हो, नाउन प्रनाउन वो भी आपको हिंदी में भी आना चाहिए, संधि विच्छेद वगैरह, ठीक है, विलोम शब्द पर्यायवाची शब्द काफ़ी ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, बायोडाइवर्सिटी वाटर रिसोर्स डिग्रेडेशन क्लाइमेट चेंज एंड इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट एंड अर्बनाइजेशन माइनिंग एंड इन्वायरमेंट एग्रीकल्चर एंड इन्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट्स, ठीक है। फिर कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्टडिंग वर्ड्स काउंट टेक्निक वाइल्ड लाइफ पॉचिंग कंट्रोल वाइल्ड लाइफ स्टॉक इंट्रैक्शन कंजर्वेशन एंड वाइल्ड रिसर्च बर्ड डाइवर्सिटी मैमल आइडेंटिफिकेशन एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देन बात करते हैं आपको फॉरेस्ट ऑफ एचपी के बारे में क्या आना चाहिए और जनरल साइंस में क्या आना चाहिए। सबसे पहले फॉरेस्ट की बात करते हैं, असेसमेंट ऑफ जितना भी आपका फॉरेस्ट में डाटा होता है, आप फॉरेस्ट गार्ड बनने जा रहे हो तो आपको सबसे पहले ये भी पता होना चाहिए कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में सबसे ऊंची पोस्ट क्या होती है, ठीक है। जैसे अगर आप एचपी पुलिस में जाना चाहते हो तो आपको एचपी पुलिस के बारे में पता होना चाहिए कि सबसे ऊंची सबसे हाईएस्ट पोस्ट जो है उस डिपार्टमेंट की क्या है, ठीक है। देन असेसमेंट ऑफ डाटा इंफॉर्मेशन सोर्स और कंपाइलिंग फॉरेस्ट्री अकाउंट ऑफ जितने भी आपका बेसिक डाटा है एचपी फॉरेस्ट का, कितना लैंड में फॉरेस्ट हैं, कौन से ज़्यादा वन आच्छादित क्षेत्र हैं एचपी के, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। बिल्डिंग फॉरेस्ट रिसोर्स अकाउंट फॉर एचपी लैंड यूज़ क्लासिफिकेशन इन एचपी पाथवे फॉर फिजिकल एसेट्स अकाउंट फॉर सेलेक्ट एसेट, ठीक है। FSI क्लासिफिकेशन स्कीम फॉरेस्ट कवर इन, ये आपको बोला, आपको ये डाटा पता होना चाहिए कितना एचपी जो है हमारा फॉरेस्ट से कवर है, वन आच्छादित क्षेत्र कौन सा है सबसे अधिक, ये सबसे पहले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों ये थी वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया एग्ज़ाम पैटर्न, आपको बेसिकली याद रखना है इसमें आपको 85 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। 85 क्वेश्चन को आपका मद्देनज़र रखते हुए आपको प्रैक्टिस करनी है, और आपका रिटर्न एग्ज़ाम आपको पता है जो टेंटेटिव डेट जो आई है रिटर्न एग्ज़ाम की आपकी आई है 30 अक्टूबर 2021, ठीक है। आपको रिटर्न एग्ज़ाम में बिल्कुल समय बिल्कुल नहीं मिलेगा, आपको अभी से तैयारी जो है वो कर देनी चाहिए शुरू। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद, जय हिंद, जय हिमाचल।